भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह नीति भारत की परंपराओं और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसका लक्ष्य देश को विश्व स्तरीय और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। यह 34 वर्षों के बाद भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक सुधार है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के युवाओं को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। वर्ष 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा को अपनाया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2 साल की प्री प्राइमरी शिक्षा प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 से 6 साल के बच्चों के लिए होगी। इस 2 वर्षीय प्री प्राइमरी स्कूलिंग का उद्देश्य बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना है। नई शिक्षा नीति 2020 में पुरानी शिक्षा नीति की खामियों को हटाकर नए पाठ्यक्रम को लाया गया है। इसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि पाठ्यक्रम सरल और सहज हो, जो विद्यार्थियों की समझ में आ सके। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब 5+3+3+4 वाला पैटर्न फॉलो किया जाएगा। अब से शिक्षा में रटने की बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर जोर दिया जाएगा। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी। एनईपी 2020 ऑलरेडी देश के अधिकतर लीडिंग स्कूल्स ने अपने सिलेबस में एप्लीकेबल कर दिया है। लीडिंग एजुकेशनिस्ट और प्रिंसिपल का ये कहना है कि एनईपी 2020 के आने से भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक अभूतपूर्व सुधार आएगा और यहाँ की एजुकेशनिस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ साथ अपने कल्चरल हेरिटेज को भी आने वाली जनरेशन को शेयर कर पाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको इस वीडियो के माध्यम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का काफी नॉलेज मिला होगा।